Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4th, Subject Science, Chapter 5 and Lecture Number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. टुडे इन दिस चैप्टर वी दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, एंड दिस इज़ अबाउट द एडेप्टेशन इन प्लांट्स. देन द थीम इज़ द सेम दैट द एडेप्टेशन इन प्लांट, दैट मीन्स In the previous chapter, we have learned that how the animals are adapted towards their environment, towards the different environment. Now, in this chapter, we will learn that how plants are adapted towards their different environment, why they need adaptation, what are the different types of adaptation has been adapted by the plants. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स ने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को अडेप्ट किया था, कैसे अपने आप को चेंज किया था. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स ने अपने आप को कैसे चेंज किया, कैसे अडेप्टेड किया एनवायरनमेंट के साथ, और क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आए हैं, कैसे कैसे प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आए, हम सब पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस. Same the plants where the leaves and grow is known it's called its habitat. जैसा कि एनिमल में कहा था, एनिमल जहाँ रहता है, खाता है, पीता है, जीता है, मरता है या रिप्रोड्यूस करता है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट. वैसे ही प्लांट्स जहाँ रहते हैं, जहाँ ग्रो करते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, उसी प्लेस को क्या बोलते हैं हम, हैबिटेट. सम प्लांट्स लिव इन द कोल्ड माउंटेन रीजन्स व्हाइल अदर ग्रो वेल इन हॉट डेजर्ट. प्लांट आर ऑल्सो फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस. ओके, एज लाइक द एनिमल्स, प्लांट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक इन द कोल्ड रीजन, लाइक इन द हॉट रीजन, इन द लेक्स, इन द पॉन्ड्स, इन द रिवर, इन द ओशंस, एवरीवेयर. जैसे कि आप सब जानते हैं, एनिमल्स सभी जगह प्रेजेंट होते हैं. कोल्ड रीजन में भी होते हैं, मतलब ठंडी जगह पे भी होते हैं, डेजर्ट में भी होते हैं, गर्म जगह पे, ओशंस में भी होते हैं, नदियों में होते हैं, समुद्र में होते हैं. वैसे ही प्लांट्स भी हर जगह मौजूद होते हैं. वो गर्मी में एकदम हॉट डेजर्ट एरिया में जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, या फिर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ठंड वाली प्लेस में, वहाँ पर भी जैसे माउंटेंस वगैरह पर, पानी में, ओशंस में, समुद्र में भी प्लांट्स पाए जाते हैं, नदियों में भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे तालाबों में. कहने का मतलब प्लांट्स सभी जगह प्रेजेंट होते हैं. जस्ट लाइक एनिमल, प्लांट ऑल्सो डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट हेल्प देम टू अडेप्टेड टू द हैबिटेट इन विच दे लिव. दिस एडेप्टेशन मेक इट्स ईजियर फॉर द प्लांट टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट बट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट. फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस प्लांट्स विच इज़ कॉमनली फाउंड इन द हॉट डेजर्ट कैन नॉट ग्रो इन टू द पोलर रीजन. In this para, it is saying they like, just like the animals, like the different animals are the adapted towards the different environment. Like polar bear is adapted towards the cold region, okay? Like camel is polar region, camel will not survive. Similarly, if you bring the polar bear into the hot desert, polar bear will be not survive because they are adapted toward the different conditions. Likewise, plant are also develop some characters, some changes in their body, in their development, and they are adapted toward a particular environment. And adaptation make the easier for plant to survive better. Okay? जैसा कि हमने पढ़ा था, animals अलग अलग जगह के according adapted हो चुके हैं. जैसे polar bear
पोलर रीजन में रहने के लिए एडेप्टेड हो चुका है, मतलब ठंड में रहने के लिए ही बना है। वैसे ही कैमल हॉट डेजर्ट में रहेगा, मतलब डेजर्ट के अकॉर्डिंग वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है और एडेप्टेड हो चुका है। अगर आप कैमल को पोलर रीजन में लाओगे या ठंडे एरिया में लाओगे तो कैमल जिंदा नहीं रहेगा, वो थोड़े दिनों में मर जाएगा। वैसे ही अगर आप पोलर बेयर को डेजर्ट में ले आओगे, एकदम गर्म जगह पे ले आओगे, तो पोलर बेयर भी थोड़े दिनों में मर जाएगा, मतलब वो ऑलरेडी अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो चुके, एडेप्टेड हो चुके। अगर आप इनको इनकी प्लेस बदल दोगे तो ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैसे ही प्लांट्स भी अपने अंदर अपने बॉडी पार्ट्स जैसे लीव्स, फ्लावर, स्टेम, रूट, इन सब में क्या क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स अपने अंदर चेंज लाते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, ताकि वो उनके आसपास एरिया में क्या हो सके, एडेप्टेड हो सके और अच्छे से अपने आसपास जगह पे रह। हैबिटेट प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, नीम, फिर एंड कोकोनट। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली एंड सीड्रा। सेम एज द एनिमल, इन द फोर्थ चैप्टर वी हैव लर्न दैट द एनिमल विच लिव ऑन द अर्थ विच लिव ऑन द लैंड आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल, वाइल दोज एनिमल विच लिव ऑन in the water are known the aquatic animal. So similarly plant are also divided into two part, terrestrial plant and the aquatic plant. Terrestrial means those plants which are present on the land, and aquatic plant means those plants which are lives in a which live in water. Okay, एनिमल के जैसे प्लांट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट और एक्वेटिक प्लांट। जैसा कि एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, और जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। वैसे ही जो प्लांट ज़मीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं, और जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। क्लियर। Now next topic is adaptation in terrestrial plant. Land has a different feature such as plain, mountain and desert. Some region receive high rainfall while it may hardly rain in some other parts. Some mountainous region may be covered in snow for the most of the year, while some plain may be scorching hot with very little rainfall. Plants have adapted to live in all these conditions. Some have mountains and some have desert. Somewhere the average rainfall is so high, but somewhere like in Rajasthan the average rainfall is too low. Okay, so different area have the different climate, and according to this climate the plants those live in that particular area are adapted towards their environment. Okay, जैसा कि आप जानते हैं जो हमने एनिमल्स में भी एडेप्टेशन पढ़ा था, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी एक तो था डेजर्ट रीजन, एक था हमारा पोलर रीजन, और तीसरा था हमारा फॉरेस्ट। वैसे ही लैंड पे भी क्या होती है, अलग अलग एरियाज होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं। जैसे कुछ प्लेन्स होते हैं मतलब समतल, जैसे कि हम रह रहे हैं, कुछ लोग माउंटेन्स पे होते हैं, मतलब प्लांट्स एनिमल्स माउंटेन्स पे होते हैं। ओके, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट में रहते हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं अपने जहाँ पे अभी वो प्रेजेंट है, या जहाँ वो अभी ग्रो कर रहे हैं, या वो जहाँ अभी रह रहे हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, एडेप्टेड हो जाते हैं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो वहाँ पर प्लांट्स अलग होंगे। हमारे राजस्थान में जो बारिश है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मोस्टली हमारा राजस्थान का डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तान एरिया है, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे, तो यहाँ के प्लांट्स माउंटेन्स पे होने वाले प्लांट्स से क्या होंगे, अलग होंगे। और अगर आप यहाँ के प्लांट्स को माउंटेन पे जाके ले जाओगे तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे,
या माउंटेन को प्लांट माउंटेन के प्लांट्स को अगर आप यहाँ ले आओगे तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे. ओके सो सारे प्लांट्स अलग अलग कंडीशंस लेक्चर यू जस्ट नीड टू रीड ऑल दिस पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड बेटर. आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और अच्छे से समझना है. ओके और कोई भी डाउट हो तो आप अपने नोटबुक में लिख लेना. ओके थैंक यू. टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.